Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. So today is our third day here and it is our checkout day. So yes, हमने बस पैकिंग शैकिंग करनी है, सामान जाना है. एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट बुक थी वो फॉर 3 डेज थी. किसी भी पार्क जा सकते हैं, बट एक तो कल बच्चों ने स्कूल जाना है, माहद के कुछ टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, वो इस इन्विकेशन इन 2-3 दिनों में पढ़ नहीं सके, और मास के भी टेस्ट हैं उस टाइम भी पढ़ना है. दूसरा ये रीज़न है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है. सो हमने ये सोचा है, फाइनलाइज किया है कि थोड़ी सी ग्रॉसरी करके वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर होम. द रीज़न बीइंग के वी कैन अवेल दैट वन डे टिल दिसंबर ऑफ दिस ईयर. सो वो किसी दिन हम घर से ही आके इसको अवेल कर देंगे, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी होगा, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है. मतलब इतनी घबराहट हो रही है, आप ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पिए जा रहे थे उधर, आइसीज ले रहे हैं, स्लशीज ले रहे हैं, बट स्टिल इट वॉज वेरी हॉट. दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग. इसका एक नाम है आयमा, पता नहीं क्या कहती है, पीका चू के मीका चू. क्योंकि मैं आयमा से पूछ के आती हूँ, मैं फेमस यूट्यूबर से पूछ के आ गई हूँ कि व्हाट आई एम वेयरिंग, व्हाट इज दिस ऑन दिस शर्ट. ये एक मेरे ख्याल में फेमस करेक्टर है एनिमे, और एनिमे हम वो खुद भी उसने पहना है, उसको भी लाती हूँ. दोनों माँ बेटी स्टाइल मारते हैं, क्योंकि आपको पता है. बाकी इसकी तो अब हालत जो है वो आके साफ करेंगे, मैंने चीजें अपनी वापस पैक कर दी हैं. कैन यू टेल व्हाट आर वी वेयरिंग टुडे? वी आर वेयरिंग सम एनिमे शर्ट्स. सी एंड वी बोथ एनिमे. मम्मी कैन यू रीड माय शर्ट? आई कैनॉट रीड इन चीनी और जापानी, पता ही कड़ी ज़बान. इट्स व्हाट इट? फ्रॉम जापान. इट्स फ्रॉम जापान. It's made from Japan. It's made by Japan. Okay guys, so hamara about hotel. यहाँ के पानी में यहाँ के पानी में कुछ अजीब सा फ्लेवर था ना. हाँ. पीने की नहीं, हम लोग यहाँ पी तो पानी अपना वही रहे थे. मैं बता रही हूँ यूज करने के लिए, जो ब्रश मुंह में जाए या आप नहा रहे हो. वाटर के अलावा जो यहाँ पे ये जो नीचे होटल्स के अंदर आपने देखा होगा, ब्रेकफास्ट के ऊपर टाइम के ऊपर आपको वो ऑरेंज जूसेस और ये जूस और वो सारे मिल रहे होते हैं ना. अगर आप वो भी टेस्ट करें, उनका भी टेस्ट एक अजीब सा एक आपको बाद में. अच्छा, हम लोग होटल्स में बहुत ज्यादा स्टे करते हैं. हम साल में चार वेकेशन तो हमारी हो जाती है. मतलब आपको देख ले, मार्च में हम लोग गए थे जॉर्जिया, समर्स में हम लोग गए कैनेडा, अभी ये तो दिसंबर में कहीं और जाएंगे. तो हमारा ये है कि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है यहाँ का. नाश्ता हमने बिलाल कितनी जिंदगी घूमा होगा, 16 साल तो घूमे होंगे, पूरी जिंदगी वो घूमे फिरे, लेकिन यहाँ का नाश्ता सबसे पथैट था. दुख हुआ क्योंकि देखें यहाँ पे लोग जो लोग आते हैं स्पेशली ऑरलैंडो फेमस ही थीम पार्क्स और इन चीज़ों के लिए है, तो जो लोग इस तरह के होटल सेलेक्ट करते हैं जिसमें नाश्ता इंक्लूडेड है, ये एटलीस्ट इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि इस स्टेट का सबसे ज़्यादा टैक्स जो है टूरिज्म से निकल रहा है. मतलब जो पैसा कमा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो लोग आते हैं दे डू लुक आफ्टर देम, लाइक चीज़ें रोड शोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों पर भी. ख्याल करना चाहिए कि जो आए तो याद रखे कि वो ऑरलैंडो आया है, अच्छी मेमोरीज लेके जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लोग लगा के आते हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. मतलब आप सोचें, जो हम तो करीब हैं लेकिन कोई बाहर से आ रहा है, वो होटल, टैक्सीज, रेंटल, तो इट वॉज जस्ट ओके, नॉट नॉट द बेस्ट आई वुड से. यार मेरा अच्छा लग रहा है ड्रेस यार. चले मेरे बच्चों. चलो बच्चो आ जाओ, सामान उठा लो. वो बैग किसका है? नॉट द ओनली वन हू नोटिस वाटर. बच्चे भी बह करें कि मम्मा अगर इधर वॉशरूम्स के पानी के में अजीब सा टेस्ट है तो पूल के पानी में क्या होगा. वैसे मैं आपको बता दूँ एक जनरल नॉलेज के लिए, पूरे अमेरिका में वाटर क्वालिटी जो है ना सबसे वर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो टॉप पे आता है टेक्सास और दूसरे नंबर पे आता है फ्लोरिडा. तो यहाँ का पानी जो है ना दोनों स्टेट्स का इट्स नॉट वर्थ यूजिंग. और हमने तो स्पेशली टेस्ट भी कराया था. सो जो लोग भी रहते हैं टेक्सास और उसमें अच्छा या सो इट इज़ बेटर के या वन इज
सुबह तक पीने के लिए और जितना हो सके या तो फिल्टर्स लगवाए, और फिल्टर्स नहीं लगवा सकते तो मिनरल पिए। चले ड्रामा, चलो। सो भाई हम लोग अब जा रहे हैं घर। अब हमारा टाइम आ गया है, उससे ज्यादा हम फ्री रह नहीं सकते थे, सिग्नल खुल गया है। आंटी साथ साथ मोबाइल भी यूज कर रही है। अच्छी बात है, ड्राइव भी कर रही है। इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। सो इट वाज फन फिल्ड विजिट। अब ये मैं सब चेप रही हूँ, मतलब मजा आया एक्चुअली। इफ यू आस्क मी, मैं बच्चों से ज्यादा एंजॉय करती हूँ। एंड इफ यू आस्क मी के आपको आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर और या फिर यूनिवर्सल स्टूडियो में से कौन सा बेहतर लगा, तो हमेशा आई गो फॉर, मतलब मुझे रोलर कोस्टर्स पसंद है। बच्चों को मेरे ज़्यादातर रोलर कोस्टर्स पसंद है, जिसमें ज़्यादातर रोलर कोस्टर्स हैं तो वो आइलैंड ऑफ एडवेंचर्स में ज़्यादा थी। बट इफ़ यू आस्क मी, आई लाइक मोर थीम्ड राइड्स और एक्सपीरियंसेस। मतलब जैसे फिलहाल डिज्नी में हॉलीवुड में किया था ना, हॉन्टेड हाउस और इस टाइप के, दे आर अमेजिंग, दे आर आउट ऑफ वर्ल्ड। मतलब कहना नहीं चाहिए, जो एक्सपीरियंसेस इन्होंने मूवी के साथ रिलेटेड बनाया ना, 3D 4D, वहां पे भी पंडोरा में यार वो गन लेके, एंड यू आर इन अदर वर्ल्ड, इट इज जस्ट अमेजिंग। मतलब बंदे का ना दिल खुश हो जाता है। मुझे समहाउ जो ऐसी राइड्स आप पूरी फैमिली के साथ करें ना, हाँ। इसमें देखें कुछ हैं जो कि बड़े बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें सारे एज अ फैमिली तो मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। और इसमें मेरा ख्याल है जो हमने अभी कल की है यूनिवर्सल स्टूडियोज वाली, उनमें ज्यादा जो था क्योंकि वो मूवी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे फास्ट फ्यूरियस मूवी है, उसमें आप सारा देख रहे होते हैं। फिर कौन सी मूवी हमने लास्ट में कौन सी की थी, हैरी पॉटर एक्सपीरियंस किया, मतलब अभी एक हैरी पॉटर का हमने वो मैजिक क्रॉस जो है स्टेशन की, वो हमने नहीं की। बट देवर मेनी राइड्स, आई मीन देवर बहुत ही मजे का एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपको कुछ अभी तो नहीं आ गया, हाँ। सो अभी मतलब मैं कहने की बात यह है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा शौकीन हैं बार बार लेने के, तो लेकिन लाइफ में एक टाइम ये एक्सपीरियंसेस ज़रूर करने चाहिए। हम लोग को इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है, बट मुझे ये मूवीज से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई रियली इन्जॉयड इट। और मुझे जो वाइब है ना पूरी दुनिया की, वहाँ इतने ज्यादा लोग होते हैं, मुझे चाइना की वाइब याद आती है। चाइना में जब हम कहीं जाते थे ना, लोग ही लोग है ना, दिल डलने की जगह नहीं होती थी कभी चाइना के एक्सपीरियंस, दिल धरने की कभी दिल टाइम हुआ तो आप लोगों के साथ चाइना के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। सो वो वाली फील आती है, मतलब दुनिया जहान से लोग आए होते हैं, बहुत सारे लोग आपकी जुबान नहीं बोल रहे होते, इवन इंग्लिश में भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, फ्रेंच लोग और ये इशारों में बातें हो रही होती है। बट पीपल आर हेल्पफुल। कोशिश किया करें कोई प्रॉब्लम में हो, कोई चीज समझना चाह रहा हो, अगर आपको पता है, लोग करते हैं। और यही हुआ था आज मेरा जो होटल में बिलाल, मेरा मुझे लगा कि मेरा मोबाइल गायब हो गया, तो वहाँ की स्टाफ से ज्यादा लोग परेशान हो गए थे, ये करो वो रिंग करो ऐसे करो वैसे करो। सो इट इज ऑलवेज गुड, आई मीन आप दूसरे लोगों से मिले, दूसरे दुनिया के कंट्री से, इट्स ऑलवेज गुड। और यहाँ ये एक्सपीरियंस जो है अगर आपने फ्लोरिडा में लेना है, तो ये आपको यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नी वर्ल्ड में आता है। बट इन सब में से अगर कहा जाए हमें एक पार्क डिज्नी और इन सब में से, फिलहाल आपको अगर एक पार्क थीम पार्क चूज किया जाए, तो आपका फेवरेट कौन सा है अभी तक? मैजिक किंगडम। अभी तक मैजिक, अच्छा मैजिक किंगडम की ना वो मैजिकल वाइब ही कुछ और है, मतलब उसको आगे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यूनिवर्सल स्टूडियोज ये भी बहुत अच्छे हैं, बट जो मैजिक किंगडम है ना, ये मिक्की माउस प्रिंसेसेस और मिनी माउस और ये इसकी ना एक वाइब ही कुछ और है। सो यस, एंजॉय करें। अभी हम जा रहे हैं, हम बात करेंगे अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे। हमने 3 दिन इनका गंदा नाश्ता खा के अभी हमें नाश्ते से सुकून आया, तो फर्स्ट हमारा स्टॉप है डंकिन। सो हम आ चुके हैं नाश्ते के लिए डंकिन डोनट। वैसे तो मैं ड्राइव थ्रू से ले लेती, लेकिन आयमा को कुछ ऐसी ड्रिंक चाहिए, आप पीना को बड़ी तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि अंदर ही आके मेरी बेटी की, और मेरे बेटे कह रहे हैं आप हमारे साथ तो ऐसा नहीं करती थी।
आप हमेशा जो है छोटी है ना, क्या करें, छोटी तो फिर छोटी होती है ना। कोकोनट भी है बिलाल, ये देखो कितने अच्छे हैं यहाँ पे, पता चलता है। रोस्टेड कोकोनट Which donut you like? I want a donut. Why not? You should have one. No, I like it. दुनिया की सबसे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये इजाद क्यों है ये मुझे नहीं पता, बट हमारी कोई इतनी फेवरेट नहीं है डोनट्स, बट हम खा लेते हैं अभी नाश्ते में, क्योंकि हमने 3 दिन उनके नाश्ते कर करके हमारी बच गई है, इसलिए हम लोग अब, मुझे मेपल का फ्लेवर बहुत पसंद है, वहाँ पे भी टिमीज़ पे भी, कनाडा में भी मेपल डिप ही लेती थी, यहाँ पे भी मेपल ही। भाई इनके 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 डोनट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप मुझसे मुझे कहें क्रिस्पी क्रीम और डंकिन, तो मैं दोनों को इक्वली मार्क्स दूंगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं उसको नहीं दूंगी, टिम हॉर्टन को मार्क्स नहीं दूंगी। टिम हॉर्टन के डोनट्स बेकार होते हैं कहना नहीं चाहिए, बट ये इफेक्ट है बहुत बड़ा। आई मा यू वॉन्ट, इसके स्ट्रॉबेरी बहुत मज़े के होते हैं, ये वाला, ये एंड ये मेरे ये फेवरेट है, बाकी ये वनीला और ये बच्चों के फ्रेश डोनट्स। आपकी एक्स्ट्रा मीठी है, ये कॉफी पियो, अगर तुम्हें कॉफी का फ्लेवर चाहिए ना, मेरी फीकी है। I like it. Your coffee. I'm a donut. I must stop doing that. अपनी क्या कहते हैं, अपनी कदर जो है, नहीं नहीं आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत। एक्चुअली अभी मैंने गूगल मैप में अपना एड्रेस डाला ना, अभी हम घर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती जो मुझे खुशी महसूस हुई, लिटरली मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मैं जन्नत पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ की सनसेट सनराइज स्पेशली गोल्डन आवर, जब पीछे मेरे पॉन्ड में वो जो क्रिस्टल्स की पानी क्रिस्टल बन जाता है और वो बिल्कुल डायमंड्स की तरह चमकने लग जाता है, मतलब ऐसी चीजें कहाँ आपको मिलेंगी जी। इतना खूबसूरत मेरा घर, और यहाँ पे हम 3 दिनों से जो है एक वॉशरूम में घुसे हुए हैं, और वॉशरूम भी मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा यार ये 3 दिन आराम से गुजार लो घर पे, एशिया कप चल रहा है, क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, हम बाप बेटा जो है वो आराम से जरा मतलब कि अपना फ्री टाइम कर लेंगे, लेकिन नहीं, इसने कहा जी नहीं, हमने जाना ही जाना है, हमें जबरदस्ती लेके गई, हमें वो वेकेशन के स्कैम्स भी दिखाए, हमने सब कुछ, ये एक्सपीरियंसेस हैं वाकई इंसान में होने चाहिए, लेकिन जो घर की सुकून की बात है ना, जो खुशी मुझे अभी एड्रेस डाल के हुई है ना, मतलब मेरा वॉशरूम, लिटरली मेरा वॉशरूम जैसा लगता है जिससे होटल का, शावर अलग, टब अलग, टॉयलेट अलग, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, लॉक अलग अलग घर किसी के काम, मतलब यहाँ का तो देख के मेरी हालत ही खराब हो गई है। बिलाल यार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए। अपना घर जाना, कमेंट्स आपके रिव्यूअर्स के, मैं अभी कमेंट्स देख रहा था जब आप, उन्होंने भी यही कहा है कि वो आपकी चीजों के साथ ना वो एको कर रहे हैं आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं कईयों के साथ, इंडिया में इस तरह हुआ हुआ है, नोएडा मेरा ख्याल है इंडिया में, और कई जो है वो उनके साथ नॉर्थ अमेरिका में इस तरह हुआ हुआ है और फ्लोरिडा में हुआ हुआ है, तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर दोज दैट आर कमिंग टू फ्लोरिडा फॉर अ विजिट, और फॉर दैट मैटर किसी अपनी यू नो ये इधर आ रहे हैं डिज्नी में या उसमें, तो किसी किस्म के स्कैम में फॉल इन ना हो, कोशिश करें कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से, क्योंकि ये बड़ी जगह है, यहाँ पे मल्टीपल आप कहें कि अपॉर्चुनिटीज दुनिया की आती है, दुनिया आती है, तो जारी बात है फिर इस तरह की चीजें भी यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा सबसे पहले जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा आएगी वहाँ पे चीट्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आप
लाइक इमोशन आउट ऑफ कंट्री होते हैं, मतलब स्पेशली वर्ल्ड से आ रहे हैं, और आप फैमिली ये स्टेशन जो है ना, ये जिस तरह थाईलैंड है, इट इज नॉट फॉर फैमिली वेकेशन, यू नो दिस. बहुत सारी कंट्रीज की जगह हैं जैसे बीचेस या मालदीव, इस तरह नॉर्मली कपल्स जाते हैं. बट ये जो फ्लोरिडा है ना, ऑरलैंडो, इट इज फेमस फॉर फैमिली वेकेशन, ये बच्चों के लिए. तो जब व्हेन यू आर विद योर किड्स, ऑफकोर्स यू आर इमोशनली एट द वीकेस्ट. You don't want your kids to suffer at any cost. I understand this feeling. आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमेशा, वैसे आपको बस लेनी हो, बच्चे आपके साथ हैं और गर्मी है तो आप उबर लेंगे, टैक्सी लेंगे, और कोशिश करेंगे आउट ऑफ होम है तो जितना कंफर्टेबल बच्चों को रखा जाए वो रखा जाए. तो इसी चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि लोग हमें ना कहीं करने से, जो दुनिया है, जिस तरह की मार्केट है, वो चीट करने के लिए तैयार बैठी है. वो आपके कहीं आप वीक हुए, आपका फायदा उठाने के लिए बैठी है. तो ऑफकोर्स हम ऐसी जगहों पे अपनी पॉकेट से, अपनी रेंज से ज्यादा खर्च कर जाते हैं, बिकॉज वी आर विद किड्स. बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वेदर कैसा है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा इन ऑरलैंडो वालों को भी ख्याल रखना चाहिए. पॉलिसीज इनकी थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. स्ट्रिक्ट नहीं है तो लोग, हाँ, इनको कंट्रोल करने, जब भी ये इतने ज्यादा स्कैम्स वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, तो जब रेगुलेशंस यहाँ पे हो ना, स्ट्रिक्ट हो, लोगों को पता हो कि यार कानून हरकत में आ गया, स्पेशली फैमिली वाले बंदे के साथ ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है. जैसे चाइना में, ये चाइना में पहले लोग नहीं जाते थे, घूमने फिरने नहीं जाते थे. उन्होंने अपनी टूरिज्म को कैसे इंक्रीज किया, उन्होंने ये कहा कि एक नॉर्मल बंदे के साथ जो क्राइम होता है ना, या चीट होता है, उसकी जो सजा है ना, अगर वो किसी फॉरेनर या बाहर के बंदे के साथ हुई है ना, डबल सजा है, उसको डबल सजा है. गॉट माई पॉइंट? वही सेम चीज अगर आप फॉरेनर के साथ करें, तो इसीलिए फॉरेनर जो है ज्यादा सेफ है इन चाइना, क्योंकि उसके साथ कोई भी करेगा उसको पता है कि मैं इस चीज में फंसा तो मैं निकल नहीं सकूंगा. ये चीजें अगर चाइना गवर्नमेंट ने की है, तो यहाँ पे भी स्पेशली दिस प्लेस, मैं हर जगह की नहीं बात करती, सैन फ्रांसिस्को ये वगैरह, क्योंकि वहां पे कपल एडल्ट हैं तो बंदा कर लेता है. ये दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, एक्टिविटी सारी बच्चों के साथ है ना, आप और इस तरह के लोग. अब जिस तरह ये, अब मैं होटल में, तुम्हें याद है ना, जिस होटल में भी हम रह रहे थे, उसमें एक वो खातून थी जो कि हमें हिल्टन ऑनर्स के पॉइंट्स के चक्कर में सुबह जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वो मिली थी. मैं आपको ये करूंगी, ऐसे करूंगी. अभी मैं जब नीचे गया वो आयमा का वो बनाने के लिए, क्या कहते हैं, वॉफल, तो वो मुझे फिर मिली. तो मुझे कहा था ना कि आप, मैं आऊंगी नहीं, दिस इज माय डे, मैं तो अभी दोबारा तो आऊंगी नहीं, और ये और फलाना. तो वो मैं अभी उसका बना रहा हूँ, तो मुझे पूछती है कि हाउ वाज योर प्रेजेंटेशन और तुम्हारा कैसा रहा. मैंने उसको बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया. मैंने कहा यार मैं इसको क्या कहूँ. मुझे फिर पूछने लगी तुम्हारे बेगम बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए नाश्ते पे. तो मैंने कहा यार वो ऊपर है तो वो आएंगे. ओके आई वॉन्ट टू गिव यू सम पॉइंट्स, प्लीज सी मी. एंड ये यार थैंक यू सो मच, मुझे मजीद पॉइंट्स नहीं चाहिए. पॉइंट्स पॉइंट्स में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं पॉइंट्स में एक्सपर्ट हो चुका हूँ. मुझे अब मैं पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ, किसको डोनेट करना है. पॉइंट चाहिए तो आप मुझसे ले लें, मैं आपको दे दूंगा. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में पहले जो है घरों के बाहर लगे होते थे आपके वो पोस्ट बॉक्स, इसको क्या कहते थे, घर के बाहर जो लगे होते थे, हाँ वो पोस्टल बॉक्स टाइप चीज होती थी. वो पुराने घरों में होता था, अभी नए घरों में सब में इसी तरह ही आ रहा है. ये है कि नेबरहुड के जगह जगह पे बना दिए हैं, वहाँ पे खुद आप जाके कलेक्ट करते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कलेक्ट करते हैं. जैसे आपके पास की होती है आपके बॉक्स की ना, और ये वाले 11 नंबर 11 सो आपकी चीजें इधर आई होंगी. सारी आप जितने भी मेल और आपको कोई भी चीज जो डिलीवर होती है वो इवन आपके पैकेजेस. अभी देखिए ना, मुझे पैकेज आया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ. हम बाहर से आ रहे हैं ना, तो हमें एक पैकेज आया हुआ है, उसकी की ये पड़ी हुई. अच्छा, अगर कोई चीज बड़ी हो ना इसमें, जो कि इस छोटे से इसमें ना आ सकती हो, तो फिर वो चाबी दे देते हैं. इसमें चाबी डाल देते हैं, वो इस पे लिखा होता है ये कौन से वाले बॉक्स में है. पहले इसको करें बंद, ये आपका बंद हो गया. अब ये लिखी हुई 19, वेयर इज 19. अब इसको पढ़ें, ये दिस इज 19. ओके, तो अब आपने इसको खोला, जो है ना आपकी चीज आई होगी. ये देखे बॉक्स आया हुआ है. ये मेरे ख्याल में मेरी बहन ने आयना के लिए कुछ भिजवाया था. सो दिस इज द बॉक्स SF ने. जब आप अपनी चीज निकाल लेते हैं तो जस्ट कीप इट लाइक दैट. हाँ, ये चाबी आप बाहर लगा देते हैं और अपना वाला मेक श्योर कर लें कि वो क्लोज हो गया है.
but so that's this it. Is how we collect our letters. जो बड़े इससे बड़े जिस तरह होते हैं वो घर के पे ही डिलीवर कर जाते हैं, ठीक है। इनके बॉक्सेस का भी साइज है, इस बॉक्स से बड़ा होगा तो वो घर के बाहर डिलीवर कर जाएंगे। वो भी नेबरहुड्स पे डिपेंड करता है, लोग कहीं जो बहुत सेफ सिक्योर नेबरहुड्स रहेंगे वहाँ पे लोग चोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हमारे नेबरहुड में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। तो यस एसएफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एसएफ फॉर दिस गिफ्ट। अब पता नहीं क्या है, घर चल के इसको ओपन करते हैं। हमारा ये मोइंग वाला बंदा जो है मो करके कर गया है। और ये देखिए, ओह माय गॉड, आई कैन टेल यू द हैप्पीनेस, होम स्वीट होम, मेरा घर, फाइनली वी आर होम। खुशी में आप लोगों को बता नहीं सकती, अगर सारा वीकेंड यहीं गुजार लेते तो क्या होता, क्या किसका क्या होता? अच्छा भला हम इंडिया पाकिस्तान सही बात है भी देख ले, इनको दुख नहीं खत्म हो रहे। Look at my home, my beautiful, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी बंदे को अपने घर किस्म की ये आपको नजर आ रही है दोनों तरफ, इनके बारे में कुछ बताना चाहिए? वो मल्च बता चुकी हूँ कि अभी लगाने हैं हमने। So this is the special gift by one of our viewer, जो कि मेरी रिश्ते में बहन भी लगती हैं। उसने कहा कि दिस गिफ्ट इज फॉर आवर फेमस यूट्यूबर, क्योंकि इसका माशाल्लाह से आई वांट टू सी आयमा, क्योंकि इसका बहुत काम है, बेचारी बहुत मेहनत करती है यूट्यूब वीडियोस बनाने में। सो इसकी फर्स्ट इनकम आई है ये गिफ्ट में। सिजर दीजिएगा बेटा, स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। आयमा इसको नीचे रखें भाई, काट के दें, पहले हट जाए। अप्रोचिंग ग्रेड लेवल बोश, अप्रोचिंग ग्रेड लेवल बोश। आयमा पीछे रहिए भाई जब काट दें। सो पहले मैंने वो खोल दो साइड से, वो लेट हर ओपन, लेट हर ओपन, लेट हर ओपन, पीछे हो जाए। आई एम हियर। हां आप करें। पिछली दफा टारगेट पे गई थी और मटका लेके बैठी थी, बिलाल ने कहा था तुम मटके का करोगी क्या। वेट 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 वेट, लेट मी ओपन इट फॉर यू, आर यू एक्साइटेड? फर्स्ट शो पापा, फर्स्ट शो पापा। मेरी जान, वेट 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 स्वीटी, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। मेरा बाबा, आई एम सो हैप्पी, आई ऑलवेज वांटेड दिस। मम्मी व्हाट, जादू करेगी, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, स्पेल करेगी, सी मैजिक।
Sweetie, we have to read everything and then we will do it. This is number one. Okay, so thank you. So I don't know how to do this, but you know. Okay, who are you thanking this for? To mama's sister. What is her name? Bobby. No. Achha, you were asking me how did she know about your dream? She saw it in a video last time when Mama was recording, and my mom said, "No, you cannot have this." So it was sad, so I just wanted to pick it up, and then I couldn't dare to pick it out. ये जादू वाला मटका है भाई, इलेक्ट्रिक पावर. एंड देन शी सॉ दिस वीडियो व्हाइल आई वाज पिकिंग इट अप सो दैट शी ऑर्डर्ड इट. थैंक यू टू SF. हाय मॉम, मैजिक एग्जॉस्ट चला दो. एग्जॉस्ट चलाओ, वो ही ना चल जाए. आई एम इधर. You can come. Now it's safe.